बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। क्लास 12 एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 9 to 12 आज की वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी। बाकी जो क्वेश्चंस के लिंक हैं वीडियोस के वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है साइन ऑफ इंटीग्रेशन 7x² - 2x + 5 अपॉन x - 6x - 3 का होल क्यूब dx। सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन को लेट करेंगे कि जो भी क्वेश्चन आपके पास गिवन है उसमें से आपने इसको ले लेना है 7x² - 2x + 5 अपॉन x - 6x - 3 का होल क्यूब। करने के बाद अब आपके पास यहाँ पर होल पे क्यूब है, तो पहले तो जो ये वाला फैक्टर है ना इसको आप एक कांस्टेंट के नीचे लिख लें। उसके बाद अगर इस पर एक्सपोनेंट 2 हो या 3 हो, जो भी हो, तो उतनी दफ़ा आपके पास रिपीट होगा। अब 3 है तो 3 times रिपीट होगा, यानी ये होगा x - 3, फिर इसी तरह से x - 3 का होल स्क्वायर, फिर इसी तरह से x - 3 का होल क्यूब। ये बी यहाँ आ जाएगा, सी और यहाँ आ जाएगा डी। क्योंकि एक्स की एक्सपोनेंट सब में 1 है तो इस वजह से इसके ऊपर सिर्फ एक 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 कॉन्स्टेंट आया। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये साइड आपके पास एज इट इज़ रहेगी 7x² - 2x + 5 अपॉन x - 6x - 3 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू, इस साइड ले लेंगे आप एलसीएम, तो एलसीएम आ जाएगा x - 6। अब आप देखें x - 3 का होल स्क्वायर x - 3 का होल क्यूब, ये 2 दफ़ा है ब्रैकेट, ये 3 दफ़ा है, तो एक 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 दफ़ा तो तीनों में से कॉमन आ गया। ठीक है, ये ख़त्म हो गया। अब जो इसमें दूसरा बचा और यहाँ 2 बचे हुए, तो एक 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 कॉमन आ गया और इसमें से जो एक बचा वो अनकॉमन आ गया। तो एलसीएम का मेथड ये होता है कि कॉमन मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इसके नीचे ही मौजूद है, ऊपर आपके पास 1 के साथ x - 3 का होल क्यूब मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 3, इसके नीचे 1 ये है तो ये 3 ब्रैकेट ऊपर मल्टीप्लाई होंगे, यानी b के साथ x - 3 का होल स्क्वायर और x - 6 मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह यहाँ पर स्क्वायर मौजूद है 2 नहीं, तो c के साथ x - 6 और x - 3 मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह से d के साथ ये तीनों मौजूद हैं, तो d के साथ सिर्फ x - 6 मल्टीप्लाई होगा। ठीक, अब आपने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है। देखिए डिनोमिनेटर से तो पूरा डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 7x² - 2x + 5 और यहाँ बचेगा a x - 3 का होल क्यूब प्लस b x - 3 का होल स्क्वायर x - 6, सी के साथ है x - 6 और x - 3, इसी तरह डी इसके साथ है x - 6। इसे तो हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अच्छा, 1 हम हमेशा इसको नाम देते हैं। अब इसमें देखें हम तो यहाँ पर अगर हमें ए बी की और सी की वैल्यू, ए बी सी डी की वैल्यू मालूम करनी है तो हमें क्या करना होगा। अगर हमें ए की वैल्यू मालूम करनी है तो ए है x - 3, हमें ऐसा ब्रैकेट ढूंढना है जिसमें x - 3 के अलावा कोई हो, तो देखिए x - 6 है तो हमें इसको x - 6 है, इसको यहाँ पर 6 पुट करना है, 6 - 6 हो गया 0, ये सब हो गया 0, x - 6 है, 6 - 6 0, ये 0, 6 - 6 ये 0, तो ए की वैल्यू आ गई। इसके अलावा अगर हमें डी की वैल्यू मालूम करनी है तो यहाँ पर हमें ए को इसको 0 करना होगा, 3 लगाना होगा, 3 - 3 0, 3 - 3 0, 3 - 3 0, ये सब 0 होगा, इसकी वैल्यू आ गई। इन दोनों के लिए हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इन दोनों में ब्रैकेट x - 6 और x - 3 है। किसी एक को भी 0 करते हैं x - 3 वाले फैक्टर को तब भी ये 0 हो जाते हैं, अगर हम x - 6 वाले फैक्टर को 0 करते हैं तब भी ये 0 हो जाते हैं। दोनों इन दोनों को सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। 2 की वैल्यू तो हम यहाँ से मालूम कर लेंगे लेकिन बाकी 2 के लिए हमें चाहिए सिंप्लीफाइड इक्वेशन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 7x² - 2x + 5 एज इट इज़ रखा, x - 3 का होल क्यूब है, इसको फॉर्मूला ओपन किया तो आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, a³ - 3a² b + 3ab² - b³। इसी तरह यहाँ पर बी एज इट इज़ आ गया, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो a² - 2ab + b²
और एक्स माइनस सिक्स साथ में। इसी तरह ये सी, इसके साथ दो ब्रैकेट है, दोनों को मल्टीप्लाई करें, एक्स 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 स्क्वायर, एक्स माइनस थ्री ज़ा माइनस थ्री एक्स, माइनस सिक्स एक्स ज़ा माइनस सिक्स एक्स, और माइनस माइनस प्लस सिक्स थ्री ज़ा एटीन, दोनों ब्रैकेट हो गए। बचा डी, डी है एक्स माइनस सिक्स, सेवन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फाइव इक्वल्स टू, ए एज इट इज, एक्स क्यूब माइनस थ्री थ्री ज़ा नाइन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री थ्री ज़ा नाइन, नाइन थ्री ज़ा ट्वेंटी सेवन एक्स, माइनस थ्री थ्री ज़ा नाइन, नाइन थ्री ज़ा ट्वेंटी सेवन प्लस बी। अंदर सिंप्लीफिकेशन हो रही है अभी, इसलिए ज़्यादा हम जो है वो अभी बी को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस टू थ्री ज़ा सिक्स एक्स प्लस थ्री थ्री ज़ा नाइन एक्स माइनस सिक्स, सी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो गया प्लस, सिक्स और थ्री हो गया माइनस का नाइन एक्स प्लस एटीन, और यहाँ पर हो गया डी का, डी के साथ एक्स माइनस सिक्स। अभी इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में। सेवन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फाइव एज इट इज, ए अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा ए एक्स क्यूब माइनस नाइन ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी सेवन ए एक्स माइनस ट्वेंटी सेवन ए प्लस बी एज इट इज आएगा। अभी ये इससे मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर एक्स से हुआ एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स से हुआ तो माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर, माइनस का सिक्स एक्स से हुआ तो माइनस का सिक्स एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस सिक्स सिक्स ज़ा थर्टी सिक्स एक्स, और इसी तरह नाइन एक्स से हुआ तो प्लस का नाइन एक्स, प्लस माइनस माइनस सिक्स, नाइन सिक्स ज़ा फिफ्टी फोर। अब ये सी अंदर मल्टीप्लाई होगा, सी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस नाइन सी एक्स प्लस एटीन सी, और ये हो जाएगा डी एक्स माइनस सिक्स डी, ये भी अंदर मल्टीप्लाई हो गया। सेवन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फाइव इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब माइनस नाइन एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी सेवन ए एक्स माइनस ट्वेंटी सेवन ए प्लस, यहाँ पर मौजूद है बी सिक्स एक्स स्क्वायर, सिक्स एक्स स्क्वायर टू टाइम्स है। देखिए बी को अभी हम नहीं कर रहे, पहले मैं आपको एक दफ़ा बता दूँ, एक्स स्क्वायर को एक्स से किया एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर को माइनस सिक्स से किया माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर, माइनस सिक्स को एक्स से किया तो माइनस प्लस माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर, फिर माइनस सिक्स को माइनस सिक्स एक्स को माइनस सिक्स से किया माइनस माइनस प्लस सिक्स सिक्स थर्टी सिक्स एक्स, फिर नाइन को एक्स से किया नाइन एक्स, और नाइन को सिक्स से किया फिफ्टी फोर। तो देखिए माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर, ये हो गया ट्वेल्व एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर थर्टी सिक्स एक्स प्लस नाइन एक्स माइनस फिफ्टी फोर प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस नाइन सी एक्स प्लस एटीन सी प्लस डी एक्स माइनस सिक्स डी। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, इन क्वेश्चन में इंटीग्रेशन तो आपकी हो जाएगी जस्ट विद इन अ मिनट, बट ये सारी जो सिंप्लीफिकेशन है यही आपका टाइम कंज्यूम करेगी, तो इसको बहुत ध्यान से कीजिएगा। अब देखिए बी हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो ये जाएगा ए एक्स क्यूब नाइन एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी सेवन ए एक्स माइनस ट्वेंटी सेवन ए प्लस बी एक्स क्यूब माइनस ट्वेल्व बी एक्स स्क्वायर प्लस थर्टी सिक्स बी एक्स प्लस नाइन बी एक्स माइनस फिफ्टी फोर प्लस
प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस नाइन सी एक्स प्लस 18 सी प्लस डी एक्स माइनस 6 डी। ये पूरी आपके पास इक्वेशन है। अब इसमें आप अरेंज करेंगे एक्स को, एक्स क्यूब को एक तरफ, एक्स स्क्वायर को एक तरफ, ठीक है। तो देखें एक्स क्यूब की एक ये टर्म है और ये एक टर्म, दो ही टर्म्स हैं एक्स क्यूब की। अगर हम देखें तो ए और यहाँ से प्लस का बी, ये आ गया एक्स क्यूब के दोनों कोफिशेंट्स। इसी तरह एक्स स्क्वायर के कोफिशेंट अलग करें तो प्लस एक ये है, एक ये है, एक ये है, तीन एक्स स्क्वायर के कोफिशेंट, तो माइनस का 9। इसके अलावा यहाँ पर ए भी है, 9a, 9a माइनस 12b प्लस सी। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब x की बारी, ये x की एक टर्म, ये x की दूसरी टर्म, अच्छा इन दोनों को भी मुझे ऐड कर लेना चाहिए था, मैं इन दोनों को ऐड करके ही लिखूंगी। ये x के टर्म से तो प्लस, यहाँ से आ गया 27a, यहाँ से आ गया 36bx है और ये 9bx है, ये दोनों भी ऐड हो रहे थे, ठीक है। 9 और 36 को ऐड करें तो ये जाएगा 45b प्लस का, x कॉमन ले लिया और यहाँ से है माइनस 9c और यहाँ से है प्लस का d, x कॉमन आ गया। अब कांस्टेंट टर्म्स, 27a तो ये माइनस का 27a देन फिर प्लस 18c माइनस 6d और 54 के साथ b है, माइनस 54b, ये आ गई कांस्टेंट टर्म्स, ठीक। अब सॉल्व करें तो देखिए, अगर हमें हमने मालूम करनी है a की वैल्यू और d की, तो मैंने आपको बता दिया था इक्वेशन वन से मालूम हो जाएगी। तो आप पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन 1 टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो यहाँ से आपने पुट करनी है वैल्यू x की, x है 6 का स्क्वायर, 7 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 5 इज इक्वल्स टू a 6 माइनस 3 का होल क्यूब। देखिए x की जगह 6 पुट किया है मैंने, ठीक है। इसी तरह यहाँ 6 पुट करूँगी, ये पूरी 0 हो जाएगी, ये पूरी 0 हो जाएगी एंड देन ये भी 6 माइनस 6 0। तो देखिए मैंने आपको समझाया था कि आप पुट ना करें, वैसे क्वेश्चन इतना लेंदी हो रहा है, इजी इजी क्वेश्चन से उसमें आपको बताया ये भी पुट कर लें आप यहाँ पर, लेकिन अब बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा तो इसलिए आप बाकी सबको 0 पुट कर लें टाइम को बचाने के लिए। 36 हो जाएगा, 36 मल्टीप्लाई में 7 करें सिक्स का स्क्वायर करें, 6 6 36, 36 को मल्टीप्लाई करें 7 से 252 माइनस 2 6 12 प्लस 5 इज इक्वल्स टू ए 6 माइनस 3 किया तो आ गया 3 प्लस का, 3 का क्यूब किया 3 3 9 9 3 27, तो 252 में से माइनस किया 12 और प्लस किया 5 तो ये आ गया 255। सॉरी मैंने 12 नहीं 2 कर दिया था, 252 माइनस 12 प्लस 5 तो ये आ गया 245
और 27 यहाँ मल्टीप्लाई करा है यहाँ के डिवाइड करेगा तो ए की वैल्यू आ गई है 245/27। ये डिवाइड नहीं हो रहा फ्रैक्शन में, आपके पास डेसिमल में आंसर आ रहा है इसलिए ए की वैल्यू यही रहेगी 245/27। अब हमें डी को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। डी को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ क्या पुट करेंगे, 3। तो हम कह रहे हैं पुट एक्स इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1 टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। डी को मालूम करना, अब देखिए यहाँ 7 है, एक्स की जगह आ गया 3, इसका स्क्वायर, फिर माइनस 2 एक्स की जगह आ गया 3, फिर प्लस 5 इक्वल्स टू, अब 3-3 जीरो हो गया तो ए ज़ीरो, यहाँ पे भी 3-3 जीरो हो गया, जीरो मल्टीप्लाई बाय समथिंग ज़ीरो, यहाँ पर भी हो गया सब कुछ ज़ीरो, सिर्फ डी वाली टर्म बचेगी जिसमें हम करेंगे 3-6 का, अच्छा -6 3-6 है जस्ट, 3 3 9 9 7 16 3 कर लिया, -2 3 6 +5 = 6-3 किया तो माइनस का 3D, ये हो गया 63 में से माइनस करें 6 और प्लस करें 5 तो 62, और ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है माइनस का, यहाँ का डिवाइड करेगा तो D की वैल्यू ये आ गई। अब ये भी कैंसिल आउट नहीं हो सकता तो माइनस का 62/3 ये आ गई D की वैल्यू। ए और डी तो आपसे इक्वेशन 1 से हो गए, अब बाकियों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाकियों के लिए हमें ये लास्ट जो हमने इक्वेशन बनाई ना इसकी मदद लेनी पड़ेगी। अब इसमें देखें बी मालूम करने के लिए हम क्या करें, कोफिशेंट ऑफ एक्स क्यूब को कंपेयर कर लें, यहाँ पर एक्स क्यूब का कोफिशेंट है ही नहीं तो वो जीरो के इक्वल आएगा, तो क्या करेंगे हम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी वी कंपेयर कोफिशेंट ऑफ एक्स क्यूब, हम एक्स क्यूब के कोफिशेंट कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में से, तो यहाँ एक्स क्यूब का कोफिशेंट है ही नहीं तो ज़ीरो हो गया, यहाँ है a प्लस बी, अब a आपको पता है a की वैल्यू यहाँ आएगी तो देखिए b की वैल्यू मालूम करनी है तो a यहाँ आएगा, हम पलट भी लेंगे, a बराबर है किसके, माइनस ए बराबर है बी, तो बी बराबर किसके है माइनस ए के, तो माइनस लगाया, ए की वैल्यू है 245/27 तो बी आ गया है माइनस का 245/27। अब इसी तरह से सी को मालूम करेंगे, सी को मालूम करने के लिए हम ये वाला कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि ए और बी दोनों हमें पता है, ठीक है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी वी कंपेयर कोफिशंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशंट है 7 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशंट है -9a -12b+c। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ए और बी की वैल्यूज़ हमें पता हैं, दोनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे, सी मालूम करना, ये दोनों इधर आ गए तो सी बराबर आ गया किसके, 7+9a+12b के, सी बराबर है 7, 9a है 245/27 +12b है -245/27, सी इक्वल्स टू 7 एज इट इज आ गया प्लस 9 1 9 9 3 27 3 4 12 3 9 27 7 + 245/3 +4 को मल्टीप्लाई किया, अच्छा इसको मल्टीप्लाई करना -245/9 से,
सी इक्वल्स टू 7 + 2 = 45 अपॉन 3 माइनस 4 को 245 से किया, 4 × 2 = 45 980 और डिवाइडेड बाय 9, 9 हम एलसीएम ले लेंगे, 9 × 7 = 63, 245 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके नीचे 3 है, 9 नहीं है, 735, उसमें से 980 को माइनस कर लेंगे तो 63 + 735 - 980 - 182/9 ये हमारे पास आई सी की वैल्यू। अब ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया और डी भी आ गया, सारे कांस्टेंट की वैल्यूज को हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम इसे पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1। नाउ पुट ऑल दीज कांस्टेंट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करें, वेजन वन हो जाएगी 7x² - 2x + 5 / x - 6, x - 3³ इज इक्वल्स टू, ए आया है 245/27 और डिनोमिनेटर में है x - 6, प्लस बी आया है माइनस का 245/27 और डिनोमिनेटर में है x - 3, प्लस सी की वैल्यू आई है -182/9 डिनोमिनेटर में है x - 3² प्लस डी की वैल्यू आई है -62/3 और ये है x - 3³। अब हम एक स्टेप और करेंगे फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स। अब आप जानते हैं ए अपॉन बी अपॉन सी हो तो ए और सी, बी और सी मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो ये हो गया 245/27 x - 6, ये हो गया माइनस का 245/27 x - 3, ये हो गया माइनस का 182/9 x - 3² ये हो गया माइनस का 62/3 x - 3³। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अब साइन ऑफ इंटीग्रेशन ले लेंगे, यहाँ भी 7x² - 2x + 5 x - 6 x - 3³ dx इक्वल्स टू 245/27 हमने बाहर ले लिया, साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx/x - 3 -182/9 साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx/x - 3² -62/3 साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx/x - 3। अब आप इंटीग्रेट करेंगे ना, आप जानते हैं 245/27 एज इट इज लिखेंगे आप। अब x के एक्सपोनेंट 1 है, ऊपर नहीं ले जा सकते तो x है उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो ये जाएगा ln x माइनस 6 माइनस 245/27 एज इट इज। x के एक्सपोनेंट होल की जो x माइनस 3 की होल एक्सपोनेंट है वो 1 है, ऊपर नहीं ले जा सकते, x का डेरिवेटिव देखिए अगर ऊपर मौजूद है तो ये हो जाएगा ln x माइनस 3। अब x का डेरिवेटिव 1 है वो तो मौजूद है तो जस्ट ये हो गया ln x माइनस 3। यहाँ पर स्क्वायर ये ऊपर जा सकते हैं, ऊपर जाके माइनस 2 हो गया, इस पे वाला लॉ लगेगा प्लस एक्सपोनेंट में 1 ऐड होता है, डिनोमिनेटर में भी एक्सपोनेंट में 1 ऐड होता है तो यहाँ पे हो जाएगा -2 + 1 ऊपर जाएगा, -2 + 1 - 1 -1 होगी तो नीचे ही आ जाएगी और एक्स माइनस जो है आपके पास 2 माइनस
समझ ले एक्सपोनेंट माइनस टू प्लस वन है, तो नीचे माइनस वन भी बचेगा, माइनस माइनस हो जाएगी प्लस, 182 अपॉन 9 एक्स माइनस 3 एज इट इज़, ठीक है, ये इंटीग्रेट हो गया, माइनस 62 अपॉन 3 एज इट इज़, एक्स माइनस 3 की एक्सपोनेंट है 3, तो एक्स के एक्स माइनस 3 का होल क्यूब है, ऊपर गया माइनस 3, माइनस 3 प्लस 1 हुआ तो बचा माइनस का 2, माइनस का 2 नीचे आके हो गया प्लस का 2, और एक्सपोनेंट में से भी माइनस के 3 में से प्लस 1 किया तो माइनस का 2 बचा, ठीक है, माइनस माइनस हो गया यहाँ 2 और 3 टू ज़ा हो गया 6, और डिनोमिनेटर में बच गया एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। आप चाहें तो ऊपर लेके जाएं, नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करें, लेंथी कर सकते हैं अपने लिए, एक आधे स्टेप एक्स्ट्रा कर लें, इतने स्टेप्स तो आपने किए ही हैं, लेकिन अगर आपको समझ में आ जाता है इससे इस तरह तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। यू गेट 245/27 एल एन एक्स माइनस 3, यू गेट प्लस का 182/9 एक्स माइनस 3, और यहाँ पे हो गया 236, 236 टू वन 2, 31/3 एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस सी। अब इसके साथ एलन एलन मौजूद है, तो पहले देखें 245/27 आप कॉमन ले लें, देन एलन ए माइनस एलन बी बचेगा आपके पास, तो आप इसको लिख सकते हैं एलन ए अपॉन बी, यानी एल एन ए माइनस एल एन बी को आप लिख सकते हैं एल एन ए अपॉन बी, तो माइनस साइन डिवीजन में चेंज हो जाती है, तो ये आपके पास हो गया सिंपल इंटीग्रेट। देखिए इंटीग्रेट होने में इतना टाइम नहीं लगा जितना टाइम हमें सिंप्लीफिकेशन में जो है वो हमारा गया है, तो सिंप्लीफिकेशन आपकी अगर बहुत अच्छी होगी तो आप बहुत इजीली और बहुत फास्टली जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये था पार्ट 9, पार्ट 10 सॉल्व करते हैं। पार्ट 10 है 2x+1 dx अपॉन x-3x²+1, अब ये एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें हमारे पास नीचे एक्स स्क्वायर आ गया है यहाँ पर, तो इसको करने का जो है वो थोड़ा सा जो है वो स्टार्टिंग का जो कांस्टेंट टर्म्स होंगे वो थोड़ा सा लहदा होगा, इसको समझना है आपने। सॉल्यूशन, क्वेश्चन को लिखा सबसे पहले 2x+1 dx अपॉन x-3x²+1, सबसे पहले आपने लेट करना है 2x+1 अपॉन x-3x²+1 इक्वल्स टू, लीनियर है इसको x-3 इसके ऊपर आ गया जस्ट ए, यहाँ पर है क्वाड्रेटिक फैक्टर, ये था लीनियर फैक्टर, ये था क्वाड्रेटिक। अब जब भी क्वाड्रेटिक होगा तो मैंने आपको बताया दो कांस्टेंट आते हैं, एक पहले बी आ गया, ठीक है, और फिर एक आएगा सी। अब बी है और सी है तो बी के साथ एक्स मल्टीप्लाई होगा और प्लस का सी, इस तरह से आपके पास ये बनेगा इक्वेशन नंबर 1, यानी सॉल्व करते हुए ये आपने इस तरह से मेंशन करना है, ठीक है। आप जब इसे सॉल्व करेंगे, मजीद ज़्यादा सॉल्व करेंगे, तब जो डिनोमिनेटर में आप फिर जब बी और एक्स को पुट कर देंगे सी को, तो फिर आप इन्हें अलग अलग डिनोमिनेटर दे दीजिएगा, ठीक है। यह है 2x+1 अपॉन x-3x²+1, और यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे आ जाएगा x-3 और x²+1, इसके नीचे ये मौजूद है x²+1 ए के साथ मल्टीप्लाई हुआ, इसी तरह bx+c है इसके नीचे ये मौजूद है x-3 से मल्टीप्लाई होगा।
डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल, 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 1 ब्रैकेट अंदर मल्टीप्लाई कर लें, पहले एक इक्वेशन बना लें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस 3, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे, सॉरी 2 कह देंगे। अब देखें अगर मैं इसको 3 पुट करती हूँ, 3 पुट करने से ये हो जाएगा 0, तो ए की वैल्यू आ जाएगी, मगर अगर हमें बी एक्स और सी मालूम करने हैं तो यहाँ पर अगर मैं पुट कर देती हूँ एक्स की जगह 0 भी, तो 0 का स्क्वायर हो गया 0 प्लस 1, प्लस 1 ही रहेगा, कैंसिल नहीं हो सकता ए। अगर मैं पुट करती हूँ माइनस 1, माइनस 1 प्लस 1 0 हो जाने चाहिए, मगर ये स्क्वायर होने की वजह से माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे ख़त्म नहीं कर सकते, जिसकी वजह से आपने इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना होगा। तो ये 2x प्लस 1 एज इट इज़ रहा, ये हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस ए 1 ज़ा ए, बी एक्स को एक्स से किया तो बी एक्स स्क्वायर माइनस 3 बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस 3 का 3 सी। कोफिशंट्स अलग करेंगे, एक्स स्क्वायर के अलग, एक्स के अलग और कॉन्स्टेंट टर्म अलग, ए प्लस बी एक्स स्क्वायर के कोफिशंट्स हैं प्लस एक्स के कोफिशंट्स हैं माइनस 3 बी प्लस सी और कांस्टेंट टर्म्स हैं ए माइनस 3 सी, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हैं, ठीक है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस 3 बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस 3 सी से हमारे पास ई बना, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह दें। अब इक्वेशन 1 से हम मालूम कर लेंगे ए की वैल्यू, तो उसे करेंगे हम पुट, एक्स इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 2, वी गेट, तो यहाँ है 2, एक्स की जगह 3 पुट किया, प्लस 1 एज इट इज़, ए एज इट इज़, एक्स की जगह हमने पुट किया 3, इसका स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स की जगह हमने पुट किया 3 प्लस सी, यहाँ पे 3 माइनस 3, तो 2 3 ज़ा 6 प्लस 1, ए 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस 1 10, यहाँ पे 3 माइनस 3 0 हो गया, 0 किसी से भी मल्टीप्लाई हो वो 0 कर देता है सारी चीज़ को, तो ये हो गया ए बराबर आ गया 6 प्लस 1 7 अपॉन 10 के। अब हमें बी की वैल्यू मालूम करनी है, जिसके लिए हमें इक्वेशन 3 का लेना पड़ेगा, तो उसमें अगर हमें बी मालूम करना है तो देखें एक्स स्क्वायर के साथ ए प्लस बी है, ए हमें पता है, अगर हम कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर को कंपेयर कर लें तो हमारे पास बी भी आ जाएगा। तो हम लिखेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी वी कंपेयर कोफिशेंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट यहाँ पर मौजूद है ए प्लस बी, और यहाँ एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो वो हो गया 0, और यहाँ हो गया ए प्लस बी, ए वहाँ जाके माइनस का ए हो जाएगा, तो बी बराबर आ जाएगा माइनस ए के, तो बी इज इक्वल्स टू माइनस ए है 7/10, तो बी आ जाएगा माइनस का 7/10, हमारे पास ए भी आ गया है और बी भी। अब फाइंड आउट करना है सी को, तो सी को फाइंड आउट करने के लिए हम कोफिशेंट ऑफ एक्स भी कंपेयर कर सकते हैं और कांस्टेंट टर्म्स को भी कंपेयर कर सकते हैं, तो हम कांस्टेंट टर्म को कर लेते हैं। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी वी कंपेयर कोफिशेंट्स ऑफ, कोफिशेंट्स ऑफ लिख दिया मैंने, चलें कोफिशेंट्स ऑफ एक्स को ही कर लेते हैं, वरना कांस्टेंट टर्म को भी करते हैं तब भी वही आता, कोफिशेंट ऑफ एक्स को करें तो यहाँ का एक्स का कोफिशेंट है 2
और यहाँ एक्स के कोफिशेंट है माइनस का 3b+c, 3b वहां चला जाएगा, c फाइंड आउट हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू 2+3b, 2 as it is 3b, 3 as it is b की वैल्यू है -7/10, तो ये हो जाएगी 2+3 7 21/10, 10 हमने एलसीएम ले लिया, 2 10s are 20 -21, तो ये आ जाएगी आपके पास वैल्यू 1/-1/10, 20 में से 21 को माइनस किया, -1/10, तो सी आ गया है, सी इज इक्वल्स टू -1/10। अब इस ए बी और सी की वैल्यू उसको हम इन इक्वेशन नंबर 1 पुट करेंगे, इक्वेशन 1 बिकम्स 2x+1/(x-3) x²+1 = ए है 7/10 अपॉन x-3 प्लस बी, बी की वैल्यू है माइनस का 7/10 एक्स, और सी है -1/10 और इसके नीचे है x²+1। अब आप दे देंगे दोनों तरफ साइन ऑफ इंटीग्रेशन, तो कहेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स साइन ऑफ इंटीग्रेशन 2x+1 dx अपॉन x-3 x²+1, यहाँ पर है 7/10, तो ये 7/10 बाहर आ गया, साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx अपॉन x-3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब इस स्टेप में मैं ये डिनोमिनेटर दोनों को दे दूंगी अलहदा अलहदा, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 7/10 साइन ऑफ इंटीग्रेशन x/x²+1 dx, फिर प्लस माइनस माइनस 1/10 साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx/x²+1, ठीक। अब 7/10 एज इट इज आ गया, 1/x समझ लिया, 1/x-3 है, इसका आपने इंटीग्रेशन मालूम करनी है, तो आप जानते हैं एक्स की एक्सपोनेंट होल की इसकी x-3 की 1 है, ऊपर जाके -1 नहीं हो सकती, इसको ऊपर नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि जब भी एक्सपोनेंट -1 होगी ऊपर सॉल्व नहीं हो सकता, तो इस तरह की कंडीशन हो फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो वो बराबर हो जाता है ln x-3 के, ठीक। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो है वो x²+1 है, अगर फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो ये भी आपके पास ln में चेंज हो जाएगा, ठीक है, लेकिन फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे चेक करेंगे, देखिए x² है तो x² का डेरिवेटिव 2x, अब x तो मौजूद है, 2 नहीं मौजूद, तो 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 2 से डिवाइड भी करेंगे, तो फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर आ जाएगा 2x, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। अब देखिए फंक्शन है x²+1, x² का डेरिवेटिव 2x और 1 का 0, तो ऊपर 2x मौजूद है, तो ये भी ln के फंक्शन में चेंज जाएगा, तो 7/20 और यहाँ से हो जाएगा ln x²+1, 1/10 ऐसे ही, यहाँ पर है x²+1, अब यहाँ पर x² यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये 1 का स्क्वायर लिखने से का क्या मतलब है कि हमारे पास बन रहा है 1/x²+a² और x²+a² किसके बराबर होता है आप जानते हैं भाई, आपके पास ये फॉर्मूला होता है 10 का, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला जो हम पढ़ चुके हैं पीछे, क्या फॉर्मूला है, अगर आपके पास फंक्शन हो कुछ इस तरह का dx/x²+a², तो ये बराबर होता है 1/a tan−1 x/a के। अब देखेंगे यहाँ पर x²+a² dx/x²+a² ये चीज़ पूरी मौजूद है, तो ये बना 1/a, a क्या है 1, तो 1/1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा जस्ट tan−1
और आगे है x अपॉन ए। एक्स क्या है, एक्स एक्स ही है और ए वन है, तो ये टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा। ठीक, अब आपकी बुक में जो आंसर है वो ये नहीं है। आपकी बुक में 1/20 कॉमन लिया हुआ है, तो हम 1/20 कॉमन ले लेते हैं सबसे। अब जिसके पास 20 नहीं है तो उसके साथ हम ऊपर 2 मल्टीप्लाई करवा देंगे ताकि हमारे पास मसला ही हल हो जाए। ये हो जाएगा 7 × 2 = 14 ln x − 3 और ये हो जाएगा माइनस का 7, इसके साथ 20 है कॉमन चला गया, तो ln x² + 1 माइनस, इसके साथ 10 है तो 2 पर मल्टीप्लाई करा दें तो ये जाएगा 2 टेन इनवर्स एक्स और ये आ गया प्लस का सी। अब आप देखें वापस से 14/20 होगा, 2 7 × 14 2 10 × 20 वापस आ गया 7/10। यहाँ पे देखें 1 7 × 7/20 यही है, यहाँ पर देखें 1 2 × 2/20 तो 2 1 × 2 2 10 × 20 1/10 वापस आ गया, तो कॉमन लेके बिल्कुल एग्जैक्टली बुक जैसा आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है साइन ऑफ इंटीग्रेशन sec²(x/dx)/1 + 10x और 2 + 10x dx। अब इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमें सबसे पहले तो इस फंक्शन को लेट करना पड़ेगा किसी वेरिएबल के इक्वल। ठीक है भैया, आप देख सकते हैं कि आपने किस तरह से स्टार्टिंग लेनी है। तो भाई देखें, सबसे पहले जो फंक्शन आपके पास गिवन है ना, उसको आपने जो है वो किसी वेरिएबल के इक्वल लेट करके इसको पहले सिंपल वेरिएबल्स में बनाना है। जैसे कह लें कि टी ले लें, कोई यू ले लें, आप जो आपकी मर्जी, आप इसको लेट कर सकते हैं उसके इक्वल। सबसे पहले हम क्वेश्चन को ही लेट कर लेते हैं, i=sec²(x/dx)/1 + 10x करना आपने जो है वो इसी मेथड से है, पार्शियल फ्रैक्शन से, बट इसको करने के लिए तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा स्टार्ट का। तो देखें, अब 10x आप जानते हैं, अगर आप लेट करते हैं 10x को किसी भी वेरिएबल के इक्वल, तो 10x का जो डेरिवेटिव है वो मौजूद है ऊपर, तो आपके पास ये चीज़ पूरी की पूरी सिंप्लीफाई होके जो है वो यू या वी जो भी आप टी बनाना चाहते हैं वो बन सकती है। तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं, सपोज u=10x, अब 10x जगह आ जाएगा यू, 1 + u 2 + u। अब sec²(x/dx) की जगह क्या करें, तो भाई देखो इसका अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो डी यू बराबर आ जाएगा 10x का डेरिवेटिव sec²(x) और dx, तो डी यू चेंज हो गया sec²(x/dx) में और यहाँ आ गया u, यहाँ भी आ गया u, तो ये आपके पास हो गया। अब सिंपल, तो i बराबर किसके आ गया, i बराबर आ गया ऊपर आ गया इसकी पूरे की जगह डी यू और नीचे आ गया 1 + u और 2 + u। ठीक, अब आप इसको जो है वो कर सकते हैं यहाँ पर अगेन, सपोज इतनी सारी सपोजिशन के बाद आपका सॉल्व होगा, तो यहाँ से हो जाएगा 1/1 + u और 2 + u। अब ये दो फैक्टर हैं, दोनों लीनियर हैं, तो आ जाएगा a/1 + u + b/2 + u, तो ये आ गया 1/1 + u 2 + u = 1 + u 2 + u। LCM आ गया, 1 + u के नीचे ये मतलब इसके नीचे ये मौजूद है ए के, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा ए के साथ। इसी तरह यहाँ पर बी है 1 + u, यहाँ पर आ जाएगा इसके साथ क्योंकि इसके नीचे ये मौजूद है फैक्टर, तो दूसरा वाला ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाता है, आपके पास बचा 1 + a 2 + u + b 1 + u। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं और इसे 2 का नाम दे देते हैं। अब आप देखें 1/1 आप एक एक को ज़ीरो करके, जैसे आप यहाँ पर 2 पुट कर दें माइनस का, 2 - 2 = 0, a 0 हो जाएगा, b आ जाएगा। अगर हम पुट कर दें माइनस का 1 तो b 0 हो जाएगा और a की वैल्यू आ जाएगी, तो इसी की मदद से आ जाएगी इस इक्वेशन की
तो हम कह रहे हैं पहले ए को मालूम, तो पुट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन इन इक्वेशन टू. वन इक्वल्स टू ए टू प्लस माइनस वन रखा यू की जगह, प्लस बी वन प्लस माइनस वन. यहाँ से हो गया ए टू माइनस वन किया तो जस्ट बचा वन, और ये तो हो गया पूरा का पूरा वन माइनस वन ज़ीरो. तो ए की वैल्यू आ गई जस्ट आपके पास वन. इसी तरह से बी मालूम करना है तो पुट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस टू इन इक्वेजन टू. तो वन इक्वल्स टू ए टू माइनस टू प्लस बी वन प्लस माइनस माइनस टू. वन इक्वल्स टू, ये टू माइनस टू ज़ीरो हो गया, यहाँ से बचा माइनस का वन, तो माइनस का वन बी. तो बी माइनस उधर शिफ्ट करते हैं तो बी की वैल्यू आ गई माइनस वन. ए भी आपके पास आ गया, बी भी आपके पास आ गया. अब आपने जस्ट यहाँ पर पुट कर देना है जहाँ आपका, आपने यहाँ पर इस इक्वेशन नंबर वन में, ठीक है, इसकी जगह पुट कर दें. पुट इट इन इक्वेजन वन, इक्वेजन वन बिकम्स वन अपॉन वन प्लस यू टू प्लस यू इक्वल्स टू. ए की वैल्यू आई है वन अपॉन वन प्लस यू, प्लस बी की वैल्यू आई है माइनस वन अपॉन टू प्लस यू. अब आप यहाँ पर करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स. जब भी आपके कांस्टेंट की वैल्यूज फाइंड आउट हो जाए आपने नेक्स्ट स्टेप में ही इंटीग्रेशन कर लेनी होती है. ये हो गया साइन ऑफ इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन सॉरी डी यू, फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ यू है, वन प्लस यू टू प्लस यू इक्वल्स टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन डी यू अपॉन वन प्लस यू, देन माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डी यू अपॉन टू प्लस यू. अब ये आपके पास है, इसको इंटीग्रेट करना है. तो देखिए यहाँ पर है डी यू अपॉन वन प्लस यू, एक्सपोनेंट होल की वन है तो ऊपर नहीं जा सकती, हो जाएगा फंक्शन का डेरिवेटिव भी ऊपर मौजूद है, वन का ज़ीरो और यू का वन, तो ये हो जाएगा एल एन वन प्लस यू, और ये हो जाएगा माइनस का एल एन. देखिए होल के एक्सपोनेंट वन है, ऊपर नहीं जा सकता, टू का डेरिवेटिव ज़ीरो, यू का वन ऊपर मौजूद है, फंक्शन का हो गया इंटीग्रल एल एन टू प्लस यू, प्लस का कांस्टेंट सी. अब एल एन ए माइनस एल एन बी है तो ये हो जाएगा एल एन ए अपॉन बी, और ये प्लस का कांस्टेंट सी. अब आपने वापस से यू की जगह टेन, यू की वैल्यू रखनी है जो आपने टेन एक्स ली थी. तो आपने कहा भाई यू बराबर किसके था, टेन एक्स के. तो ये हो गया एल एन वन प्लस टेन एक्स अपॉन टू प्लस टेन एक्स, और ये प्लस का कांस्टेंट सी. ये हो गया सिंपल इंटीग्रेट बाय पार्शियल फ्रैक्शन. आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे. क्वेश्चन नंबर 12 है कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स. ये भी बिल्कुल इसी तरह है, आप कॉटेक्स को लेट कर लेंगे तो आपके पास उसका डेरिवेटिव कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो आपका ये सॉल्व हो जाएगा. माइनस साइन बस आपको चाहिए होगी, बाकी मौजूद है क्योंकि कॉट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है. ठीक, अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले लेट करेंगे लेट आई इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन कॉट एक्स टू प्लस कॉट एक्स. सबसे पहले हमने यू के इक्वल लेट किया, यू इक्वल्स टू कॉटेक्स, डेरिवेटिव लेंगे डी यू बराबर है कॉटेक्स का माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स. ठीक है, माइनस साइन हमें यहाँ शिफ्ट करनी पड़ेगी क्योंकि कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है हमारे पास,
तो माइनस डी यू बराबर आ गया किसके, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह। नाउ अब हम इसे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह आ गया माइनस का डी यू, और कॉटेक्स की जगह आ गया यू, और ये आ गया टू प्लस कॉटेक्स की जगह आ गया यू। अब आप इसे अगेन सपोज करेंगे और ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन यू टू प्लस यू। अब यू टू प्लस यू है तो एक फैक्टर है यू, एक फैक्टर है टू प्लस यू, तो ए के नीचे आ गया सिंपल यू और बी के नीचे डिनोमिनेटर में आ गया टू प्लस यू फैक्टर। ठीक, इसे हम इक्वेशन नंबर वन का नाम देंगे। नाउ अब हम एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम आ गया टू प्लस यू और यू, यू डिनोमिनेटर मौजूद है, टू प्लस यू ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह टू प्लस यू नीचे मौजूद है डिनोमिनेटर में बी के, तो बी के साथ सिर्फ यू मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल, माइनस वन इज इक्वल्स टू ए टू प्लस यू प्लस बी यू, इक्वेशन नंबर टू। वन और टू आ गई हैं, अब हम ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। ए की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए अगर हम देखें तो बी को यू करना है, ज़ीरो करना है, तो यू की जगह ज़ीरो पुट करें तो ज़ीरो बी ज़ा ज़ीरो ए की वैल्यू आ जाएगी। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो इन इक्वेशन टू, तो माइनस वन इज इक्वल्स टू ए टू प्लस ज़ीरो प्लस बी ज़ीरो, माइनस वन टू ए ज़ा टू ए, तो ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन अपॉन टू। इसी तरह से बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें पुट करना पड़ेगा यू को माइनस टू, टू माइनस टू ज़ीरो, तो आपके पास बी की वैल्यू आ जाएगी। पुट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस टू इन इक्वेशन टू, ये माइनस वन एज इट इज़ आया, ए हो गया टू, यू की जगह माइनस टू पुट किया, प्लस बी यू की जगह माइनस टू पुट किया, ये तो हो गया ज़ीरो, ये हो गया माइनस टू बी, माइनस से माइनस कैंसिल, बी आ गया है प्लस वन अपॉन टू। ए और बी की वैल्यूज को फाइंड करने के बाद आपने इन्हें पुट करना होता है इन इक्वेशन नंबर वन। पुट इट इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन है माइनस वन अपॉन यू टू प्लस यू इक्वल्स टू ए आया है माइनस वन अपॉन टू यू प्लस बी आया है वन अपॉन टू टू प्लस यू। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों साइड्स पर इंटीग्रेट करेंगे, साइन ऑफ इंटीग्रेशन माइनस वन अपॉन यू टू प्लस यू डी यू इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन टू, हमने बाहर ले लिया, डी यू अपॉन यू प्लस वन अपॉन टू डी यू अपॉन टू प्लस यू। तो यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे, वन अपॉन टू एस इट इज रहेगा माइनस का, डी यू अपॉन यू को इंटीग्रेट करना है तो यू की एक्सपोनेंट वन है, ऊपर नहीं ले जा सकते, यू का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो ये हो जाएगा एल एम यू प्लस वन अपॉन टू एज इट इज, टू प्लस यू होल की एक्सपोनेंट वन है, ऊपर नहीं लेकर जाएंगे, तो जस्ट इसका डेरिवेटिव चेक करेंगे, ऊपर है तो देखिए यू का डेरिवेटिव वन वन ऊपर हमेशा होता है, तो ये भी हो जाएगा एल एन टू प्लस यू, इसको बाद में लिखेंगे, इसको पहले लिखेंगे, तो वन अपॉन टू एल एन टू प्लस यू माइनस वन अपॉन टू एल एन यू, एल एन ए माइनस एल एन बी, वन अपॉन टू दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लें,
अब है एल एन टू प्लस यू और यहाँ है यू, तो ये हो जाएगा एल एन टू प्लस यू और यहाँ से बचेगा एल एन यू। अब ये एल एन ए माइनस एल एन बी है, आप जानते हैं एल एन ए बी को आप एल एन ए अपॉन बी लिख सकते हैं क्योंकि माइनस की साइन डिवीजन में चेंज हो जाती है, तो ये हो जाएगा एल एन टू प्लस यू अपॉन यू और ये प्लस का सी। अच्छा आप इसको हमें वैल्यूज को वापस से रिप्लेस करना है, यू को हमने लेट किया था कॉर्टेक्स। तो ये है वन अपॉन टू एल एन टू प्लस यू अपॉन यू प्लस सी, तो यू की जगह हम वापस रखेंगे कॉर्टेक्स और डिनोमिनेटर में भी रखेंगे कॉर्टेक्स प्लस सी। अब आप देख रहे हैं कॉर्टेक्स दोनों के नीचे मौजूद है, दोनों को अलग अलग दे दें। देखिए कॉर्टेक्स को मैं पहले लिख रही हूँ एग्जैक्टली आपकी बुक में जैसा आंसर है, ठीक है। कॉर्टेक्स अपॉन कॉर्टेक्स हो गया, कॉर्टेक्स अपॉन कॉर्टेक्स हो गया, इसको अलग दे दिया और टू अपॉन कॉर्टेक्स हो गया, ठीक। और ये प्लस का सी आ जाता है, ये कट गया, ये वन हो गया एल एन और यहाँ आ गया वन और ये आ गया प्लस। कॉर्टेक्स वन अपॉन कॉट एक्स बराबर होता है किसके, टेन एक्स के, टेन एक्स का रेसिप्रोकल होता है, तो टेन एक्स आ गया टू के साथ, टू टेन एक्स प्लस सी। एल एन से पहले जो भी चीज़ हो यानी ए एल एन बी हो तो आप उसे लिख सकते हैं एल एन बी के एक्सपोनेंट ए, तो एल एन वन प्लस टू टेन एक्स की एक्सपोनेंट हाफ प्लस सी। अब हाफ का मतलब होता है अंडर रूट, तो आप इस पे लगा देंगे अंडर रूट एल एन वन अंडर रूट वन प्लस टू टेन एक्स प्लस सी इज द इंटीग्रल ऑफ द गिवन फंक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये पार्ट भी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 11 एंड 12 फोर पार्ट्स रिमेनिंग है इसको, फोर क्वेश्चन रिमेनिंग है इस एक्सरसाइज के, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी इंशाल्लाह। वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में भी जरूर कमेंट कीजिए।